व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों मेरा नाम है नितिन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं सेकंड पार्ट ला रहा हूँ आपका राजनीति विज्ञान का। जिस बच्चों को फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको उसमें दिख जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पहले वाले का, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री का आपका पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन काफ़ी मिले हैं, परंतु उसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ दिए गए थे। उसमें क्या हुआ था, जैसे आप ये देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में बुद्धा का प्रचार किस प्रकार हुआ था, तो उस क्वेश्चन को इस तरह दे रखा है कि 6 BC में बुद्धा का प्रचार किस प्रकार हो रहा था। तो इस तरह से NOS में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डीपली समझेंगे, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पेपर में अच्छे से पढ़ें कि वो क्या कहना चाहता है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे आपका राजपूताना किस तरह स्ट्रगल चैलेंज किया था मुगलों को, बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ाई आ रही थी, रिवोल्ट आ रहा था 1857 का, 40-50 नंबर का बहुत आराम से आया था, डॉक्टर ऑफ लैप्स आ रहा था, डॉक्टरिन ऑफ लैप्स आ रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल रहे थे। तो इसमें भी आपको इस तरह से मिलेंगे, बट आपको थोड़ा चेंज करके मिलेगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के मिलेगा। तो बात करते हैं हम दूसरे आपका पार्ट के बारे में। तो इसमें 12वां क्वेश्चन है, संसद के क्या कार्य हैं, लोकसभा व राज्यसभा में क्या अंतर है। दोस्तों संसद के बारे में बताना है कि उसके क्या कार्य हैं, और जो लोकसभा होती है और हमारी राज्यसभा में क्या अंतर है। दोस्तों हमारी दो प्रकार की सभा होती है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना होता है, वह केंद्र सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर आवश्यकता अनुसार कानून बनाती है। दोस्तों क्या होता है कि जो संसद होती है ना वो कानून बनाती है। अब एक तो ये होता है केंद्र सूची जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, और समवर्ती सूची जिसे हम कॉन्ग्रेंट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों केंद्र सूची में क्या आ जाता है, आपका आर्मी आ जाती है, आर्मी के जितने भी आपका जितने भी कार्य होंगे या फिर कितने भी प्रोजेक्ट होंगे या डैम्स वगैरह इंडिया के अंदर कुछ भी बनेंगे या बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो सेंटर लेवल को इफेक्ट करते हैं, सेंटर लेवल में बनने हैं, उसको वो आते हैं आपका केंद्र सूची में। कई प्रकार के होते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। और समवृत्त सूची में आता है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है आपका, और सिविल केसेस आते हैं इसमें, प्रॉपर्टी केसेस आते हैं, ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में, वो भी आपको आ सकता है। अब क्या होता है, अगर आपका पेपर है तो पेपर में अगर इस तरह से भी आ सकता है कि केंद्र सूची, समवृत्त सूची व राज्य सूची के बारे में डिफ्रेंसिएशन बताएं। दोस्तों आना इसी में से ही है, समझना है आपको बस। तो हम बात करते हैं आगे, वह संविधान में संशोधन कर सकती है, जो ये होती है संसद होती है, वह संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी संविधान में कुछ बदलाव कर सकती है, कुछ अलग कर सकती है, कुछ ऐड कर सकती है, ये काम संसद का होता है। लोकसभा व राज्यसभा में अंतर, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकसभा जो होती है, जिसको हम जैसे हमारे जो अभी चुनाव होंगे जिसमें हम MP बना के भेजेंगे, तो वो लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, वो 5 साल का होता है। जैसे एक MP बनता है वो 5 साल के लिए बनाया जाता है, वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है, हम उसे बनाते हैं, वो हमारे राज्य के बारे में, हमारी जो भी हमारा जगह पड़ती है रीजनल, उसके बारे में वो हमारा प्रतिनिधि करता है, हमारे रिप्रेजेंटेशन करता है। जबकि राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, जो कि राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो मेन पॉइंट तो हो गया कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का, और आपका लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, जो कभी भी भंग नहीं होता, प्रति 2 वर्ष पश्चात इसके सदस्य बदलते रहते हैं। दोस्तों क्या होता है, लोकसभा में 5 साल बाद ये भंग हो जाता है, नए MP बनते हैं और नया PM बनता है, तो इस तरह से भंग होता है। पर जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती, हर 2 वर्ष बाद वो अपडेट होती है। तो इसके ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके आप हेडलाइन बना के भी लिख सकते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करती है, राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सभी विधायकों पर चर्चा करने व मंत्रियों से सवाल करना और उनका पालन करना, दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो भी मंत्री वगैरह, जो मंत्रियों से सवाल होते हैं या
आपका विपक्ष से सवाल होते हैं या फिर सत्ता में बैठी जो पार्टी होती है उससे सवाल होते हैं, उसमें लोकसभा का में होता है। और जब दोनों सदनों में कोई विधेयक पास न हो जाता है, वह कानून का रूप ले लेता है। कोई भी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। दोस्तों क्या होता है, अगर कोई कानून को पास कराना है तो उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होना पड़ेगा। अगर वो राज्यसभा में अगर आपका पास नहीं हुआ और लोकसभा में पास हो गया तो वो कानून नहीं बनेगा। कानून राज्यसभा में भी पास होना चाहिए और लोकसभा में पास होना चाहिए। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट उनको साइन करते हैं, तब वो हमारे संविधान में ऐड होते हैं। जैसे आपका भी 10% का आपका जो जनरल कोटा था उसको 10% की रिजर्वेशन जो दी गई है वो दोनों सदनों में हमारे पास हुई है, राज्यसभा में और लोकसभा में। फिर उसे प्रेसिडेंट ने मोहर लगाई है, तब जाके वो कानून में ऐड हुई है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ हैं? दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति बतानी है आपको। इसमें सिंपली आपको केवल इतना सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद व सभी केंद्र के कर्मचारी इसके अंग होते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो कानून जो पास होता है हमारे जो पार्लियामेंट में, कानून पास हो गया, अब उसको लागू करना और लागू होने के बाद उस पर अमल करना लोगों का, और ये अमल करवाया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। मतलब जितना भी एग्जीक्यूटिव होता है, जितना भी इम्प्लीमेंट होता है, ये कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। इसका मुख्य कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना होता है। सिंपली है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान ही हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आपको ओपन से आप किस तरह बीए करें, एमए करें, और गवर्नमेंट जॉब के ऊपर किस तरह से आपकी अपडेट आनी है, और आपको जॉब के रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आगे भी जितनी भी दिक्कत होगी मैं आपको उसके बारे में उजागर करता रहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों राज्यपाल क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में अलग अलग राज्य में अपना अपना एक गवर्नर है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री होता है, वैसे ही गवर्नर जिसको राज्यपाल कहते हैं वो फर्स्ट मैन ऑफ स्टेट होता है। तो उसकी जो ताकत होती है, अगर राज्यपाल के बारे में आए तो आपको जो अगर प्रेसिडेंट की याद है ताकत, आप उसको सेम लिख सकते हैं। बस आपको प्रेसिडेंट की जगह राज्यपाल करना है और आपको सेंट्रल की जगह आपको स्टेट करना है, सेम एज इट इज़ है। तो देख लेते हैं, राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। दोस्तों इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वह संवैधानिक रूप से राज्य का मुखिया होता है, वो संवैधानिक रूप से राज्य का मुखिया होता है, परंतु राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। जैसे सेम राष्ट्रपति जैसे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करता है, इस प्रकार से यह मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद उन राज्यों के लिए कानून बनाया जाता है। सेम एज इट इज चीज़ करनी है आपको, बस उसमें राज्य लिखना है, उसमें केंद्र लिखना है। राज्य के में मुख्यमंत्री द्वारा बहुमत खोने की स्थिति में वह विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। दोस्तों क्या होता है, जब बहुमत टूट जाती है, जैसे अलायंस टूट जाता है, जैसे मान लीजिए बीएसपी और सपा का गठबंधन है और उनका अलायंस टूट गया, उनके बीच में लड़ाई हो गई और उनका अलायंस टूट गया, तो उसमें क्या होता है, वो राज्यपाल जब उनका अलायंस टूट गया तो उनका सीएम भी टूट जाता है, तो ना तो वे एक तरह के बहुमत पूरी कर पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति को ये भेजता है, संशोधन भेजता है कि यहाँ पर ये क्या कहता है आपका, पूर्ण तरह से बहुमत नहीं है। और उस केस में क्या होता है, या तो राष्ट्रपति रूल रखता है उस क्षेत्र में और या फिर दोबारा से चुनाव होते हैं। तो ये इसका कार्य होता है, आप इसे सिंपली कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट में आप सेम इसे कर सकते हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? दोस्तों चुनाव आयोग किसे कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन। आप देख रहे होंगे आजकल टीवी पर इलेक्शन कमीशन को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है, लोग वो जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है ईवीएम हैकिंग हो रही है। तो चुनाव आयोग का क्या काम होता है, चुनाव आयोग इसी चीज़ पे नज़र रखता है अपनी, कि चुनाव में चुनाव जो हो रहे हैं वो फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये काम चुनाव आयोग का होता है। तो
तो बात कर लेते हैं दोस्तों। अब इस समय चुनाव है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 200% आना है। तो देश का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य देश, राज्य, जिला पंचायत व अन्य संस्थाओं में निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है। दोस्तों देश का जो चुनाव आयोग होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है जिसका मुख्य कार्य देश, राज्य, मैंने बताया देश के अंदर, राज्य के अंदर, पंचायत में वे अन्य संस्थाओं में निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है। जो भी हमारा कंट्री में जैसे चुनाव होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे यूनियन लेवल की हो, चाहे पंचायत की हो, वो सब आपका जो चुनाव आयोग करवाता है। केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य में राज्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने का कार्य करती हैं। दोस्तों जो ये जो केंद्र में होता है, केंद्र में जो करवाते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त कराते हैं और राज्यों में राज्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये आपका चुनाव होते हैं। जो चुनाव की तारीखों, नामांकन भरना, वापसी लेना, आचार संहिता लागू करना, धांधलाबाजी को देखना व अन्य शिकायतों को तुरंत निवारण करना, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान सूची को तैयार करना व संशोधन करना, सभी प्रक्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए सभी जिलाधिकारी व अन्य कर्मचारी इसके अधीन कार्य करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि राज्य में और नेशनल लेवल पे जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की जो तारीखें होती हैं, किस दिन आपके चुनाव होंगे और नामांकन भरना, मतलब अपना नाम भरना, कि हमारे देश में क्या है, हर कोई भी बंदा चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको थोड़ी सी अपनी एज की होती है, जो लॉ बनाए गए हैं चुनाव लड़ने के लिए वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो उसमें चुनाव आयोग का कार्य होता है कि चुनाव की तारीखें बताना, नामांकन भरना जो लोग भरना चाहते हैं उसके बारे में उसको रजिस्टर्ड करना, आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता क्या होता है दोस्तों, चुनाव से पहले पार्टी प्रचार अपना नहीं बंद हो जाता है उसको लागू करना होता है। धांधलाबाजी क्या होती है, जैसे कई जगह शराब बट रही होती है और पैसे बट रहे होते हैं, उस चीज़ को चेक करना होता है कि धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है। अन्य शिकायत को तो तुरंत निवारण करना, या छोटी मोटी शिकायतें होती हैं कि वहाँ पर लिंच मॉब हो गई, या फिर आपका कहीं पोलिंग बूथ पे हमला हो गया, या आपका ईवीएम हैकिंग हो गई, तो उस जगह पर क्या होता है, अगर ये शिकायतें पाती है तो कभी कभी चुनाव आयोग उस जगह को में दोबारा चुनाव भी करा देते हैं। तो इस तरह से चुनाव आयोग कार्य करती है। और आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, इसका जो इसको जो फॉलो करने वाले होते हैं, जितने भी जिलाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसके अधीन कार्य करते हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा करना, शिकायतों का निवारण करना, वास्तव में चुनाव आयोग लोकतंत्र का पहरी चौकीदार होता है। चौकीदार के ऊपर काफ़ी बातें चल रही है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों इतना बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग होता है वही मेन चीज़ होता है। देश के अंदर जितने भी आपके चुनाव है, अगर जैसे आपने पेपर है, आप पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करने के लिए आपको पेपर भरना भी होना चाहिए, पेपर आपको मिलना भी चाहिए, मिलने के बाद आप उसे भरोगे भी, और भरने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो वही तो मेन चीज़ होती है। उससे तो पता चलता है कि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आपका क्या पोजीशन है। इस तरह चुनाव आयोग का कार्य होता है, वो देश के अंदर एक चुनाव करवाता है, चुनाव की डेट भरता है, और जो उसके विद्यार्थी कह सकते हैं, विद्यार्थी होते हैं वो फॉर्म भरते हैं, और फिर पेपर होते हैं, पेपर होने के बाद रिजल्ट आते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति में क्या योगदान है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के आपको दो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, छः छः मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, चार चार मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, दो दो मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, लोग तो आना ही आना है इसमें से। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको इसका बेसिक याद है तो आप इसे पूरी तरह से कर पाएंगे। तो आप देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति में क्या योगदान है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो शांति है उसमें क्या योगदान है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विधिवत स्थापित की गई थी, जो 1945 में 24 अक्टूबर को इसकी कानूनी तौर पे ये स्थापित हो चुका था। वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 193 है, यानी कि 193 दोस्त इसके इसके साथ हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसके महत्वपूर्ण अंग महासभा व सुरक्षा परिषद है। महासभा की प्रति वर्ष बैठक होती है। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित रही है।
दोस्तों जो इसकी हर साल इसकी एक बैठक होती है महासभा की, और जो उसकी जो पहली जो महिला थी, पुरुष नहीं, महिला महिला जो थी वो थी इंडिया की विजय लक्ष्मी पंडित। किसी भी फैसले के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होती है। अगर कोई भी फैसला होता है उसमें 2/3 बहुमत आनी चाहिए, तब जाके वो पास होता है। आप इसे विश्व स्तर की, आप जैसे इंडिया में हैं सांसद है, इसे विश्व स्तर की सांसद कह सकते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जिसे कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना होता है। इसके 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन है, जिन्होंने के वीटो का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों क्या हुआ था, अभी अभी पाकिस्तान का इंडिया पे हमला हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पुलवामा में, उसमें मंसूर अजहर को इंडिया चाहता था कि वो उसे वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, उसे कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट है एक तरीके का, उसे घोषित कर दिया जाए। परंतु चीन ने इसमें टांग अड़ाई। चीन ने टांग कैसे अड़ाई कि चीन के ने उसको माना नहीं, तो उस कारण से वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। उसका मेन रीज़न ये है कि चीन के पास वीटो पावर है। जो 5 स्थायी जो लोग हैं, सदस्य हैं, जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अगर इन पांचों में से अगर किसी ने भी, एक ने भी मना कर दिया ना, तो वो पास नहीं होगा। अमेरिका राजी था, रूस राजी था, फ्रांस राजी था, ब्रिटेन राजी था, पर जो चीन है वो राजी नहीं था। इस कारण से मंसूर अजहर था उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से ये होता है, इसमें वीटो पावर होती है। इंडिया भी चाह रहा है कि उसे वीटो पावर दे दी जाए, पर अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसका अब देखते हैं अगला पार्ट है संयुक्त राष्ट्रीय संघ, यूएनओ का विश्व शांति में योगदान। अब इसमें यूएनओ का योगदान बताना है आपको। संयुक्त राष्ट्रीय संघ विश्व शांति के लिए प्रसिद्ध है। यूएनओ विश्व शांति के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर यूएनओ ना होती तो वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट होते रहते, जैसे जो भी छोटी बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे हमला करती अगर यूएनओ ना होती। जैसे इंडिया है, इंडिया हमला करती पाकिस्तान के ऊपर, और चाइना है, चाइना इंडिया के ऊपर, और अमेरिका है, अमेरिका रशिया के ऊपर, रशिया न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड फ्रांस के ऊपर, मतलब जो उनको छोटी कंट्री लगती, जो कम ताकतवर लगती, अगर वो कुछ भी करती तो एकदम से न्यूक्लियर बम फेंक देते या कुछ भी कर देते। तो अगर यूएनओ का अगर साथ ना होता तो वर्ल्ड वार तो होनी ही होनी थी। तो यूएनओ का बहुत बड़ा योगदान है। आप इस बात को बेसिक समझे कि अगर यूएनओ ना होती तो कोई भी देश किसी के ऊपर भी आतंकी हमला कर सकता था, या फिर किसी के ऊपर बम फेंक सकता था, कुछ भी कर सकता था वो अपनी दादागिरी स्थित करने के लिए। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में, कंट्रियों के बीच में, तो उसके तहत ये बिना किसी बात के किसी देश के ऊपर हमला नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ अगर तोड़ी गई ना, तो फिर पूरा वर्ल्ड है ना उसके, जिसके ऊपर हमला हुआ है उसके साथ आ जाता है। तो इस कारण से भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर पाता, केवल यही रीज़न है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति के लिए प्रसिद्ध है। यदि कोई सदस्य राष्ट्र इसका उल्लंघन करता है तो यूएन ने उस राष्ट्र पर सामूहिक दबाव के रूप में व्यापार यानी कि ट्रेड आयात निर्यात पर प्रतिबंध, ट्रेड जो हमारे जो देश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, अगर उस पे ही रोक लगा दी जाए तो देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति सब डाउन हो जाएगी। राजनीतिक बहिष्कार मतलब पॉलिटिकल उसका बहिष्कार किया जाता है। सैन्य प्रतिबंध मतलब मिलिट्री जो होती है उसका प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सामाजिक व आर्थिक सहायता पर रोक संबंधी विधेय आदि प्रतिबंध लगाकर यह संदेश देता है कि कोई भी सदस्य देश उसकी किसी प्रकार की सहायता न करे। दोस्तों क्या होता है, अगर किसी ने ये यूएनओ का प्रस्ताव ठुकराया है तो उसमें क्या होता है, वो यूएनओ उसकी हर प्रकार की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर देता है, उसका बहिष्कार करता है, और जो उस जिस कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, और उसको ना कोई लोन मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना कोई उसका देश उसका साथ देता है, यानी कि एक तरीके से बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए यूएनओ के बारे में, तो मैं ना आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा यूएनओ के ऊपर। मैंने 5 मिनट की वीडियो देख रखी है, उसमें आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्यवाह विशेषाधिकार। दोस्तों ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ह्यूमन राइट्स होते हैं मानवता के अधिकार, जो मनुष्य को, हर मनुष्य को अधिकार जो नेचर ने, प्राकृतिक नेचर ने हमको दिए हैं, उसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। दोस्तों 1993 में भारत में ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी, जिसका कार्य क्या था? मानव अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार, जिसमें जो मानव अधिकार होता है वो आदमी का नेचर जो नेचर ने हमको प्रोवाइड कराया वो अधिकार होता है, जिसमें बराबरी, आज़ादी जीने का अधिकार, जिसमें लोगों को बराबरी से जीने का होता है, आज़ादी दी जाती है, जीने का अधिकार दिया जाता है नागरिक के, राजनीतिक जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जो वो होते हैं आज़ादी वो दी जाती है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिक अधिक शामिल होते हैं। दोस्तों इन नेशनल ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या तात्पर्य होता है? इसके हिसाब से कि हर व्यक्ति को बराबरी, आज़ादी जीने का अधिकार होना चाहिए, नागरिक को राजनीतिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सामाजिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक पैसा मिलना चाहिए, मतलब जो आदमी को इंसानी बनाए वो सारे के सारे राइट्स ह्यूमन राइट कमीशन देखता है। भारत में इसका 1993 में उद्घाटन हुआ था। इसमें इसके अध्यक्ष उच्च अध्यक्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पुराने जब मतलब रिटायर जो होते हैं ना वो जज होते हैं या फिर कोई अधिकारी होता है। मानवाधिकार के कार्य क्षेत्र, दोस्तों मानवाधिकार के इसमें कार्य क्षेत्र बता रहे हैं कि किस तरह से कार्य करता है। मानवाधिकार आयोग सभी प्राप्ति शिकायतों का विश्लेषण कर संबंधित विभागों को इसकी जांच पर रिपोर्ट कर पेश करने को आदेश देता है। निलंबित महिला उत्पीड़िता व्यक्ति के न्याय दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों क्या होता है, कई क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के ऊपर उत्पीड़ना होती है, उनका शोषण किया जाता है, तो उस केस में क्या करता है मानव अधिकार जो होता है उसको शिकायत मिलती है तो उस शिकायत को वो आगे भेजता है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। वे उसके पुलिस के ऊपर दबाव डाल सकता है, अधिकारी के ऊपर दबाव डाल सकता है कि आप इस पर कुछ ना कुछ कार्य करें। तो इस प्रकार से मानव अधिकार कमीशन अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। तो इसका हम ड्रॉबैक निकालेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि ये किस प्रकार ये विफल होता है। सशस्त्र बलों की जबरदस्ती को बाहर रखना, मतलब जो जो आर्मी होती है अगर वो अगर जाति करे लोगों के ऊपर तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। आयोग के में खाली पदों पर नियुक्ति, जो खाली पद है वो खाली पड़े हैं अभी तक, जो जितने भी आयोग है इसका अगर वो खाली पड़े रहे मतलब उस पर कोई ध्यान ना दे तो इसका ये ड्रॉबैक है। संशोधन की कमी, मतलब आपके जो रिसोर्सेज है उसकी कमी है। मुआवजा राशि का निवारण न करना, जो मुआवजा है वो ना दिया जाना। नौकरशाही की लापरवाही, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका आलस, इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक ये है। दोस्तों देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन आपका सेकंड सीरीज का, थर्ड सीरीज आपको मिल जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ओपन से ग्रेजुएशन कैसे करें इसकी वीडियो भी मैं डालूँगा, और जॉब से रिलेटेड जिन बच्चों को नौकरी के रिलेटेड दिक्कत आ रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किस तरह करें या किस तरह से पैटर्न क्या होता है इनका, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। मैं इससे पहले आपको बता देता हूं कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इसी तरह से आपके क्वेश्चन आने हैं। 28 क्वेश्चन मैं आपको टोटल बताऊंगा, उसमें से ही आपका क्वेश्चन आना है। पर थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है आपका क्वेश्चन, कि थोड़ा तो घुमा फिरा के देना ही देते ही हैं ना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्ट्रेट क्वेश्चन कभी नहीं देते जी। अगर आपको क्वेश्चन आपने पढ़ना, आपको क्वेश्चन आपने समझ ही नहीं पाए तो आप आंसर कहाँ से देंगे। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा घुमा के देंगे आपको, पर आपको अपने तरीके से लिखना है। और एक और बात, आप अपने उसमें पेपर में कोई भी ओवर राइटिंग ना करें, और पेपर में बिल्कुल आप ऊपर पेपर भर के आए। अगर आपको आता है नहीं आता पर पेपर खाली मत छोड़े, भर के ज़रूर आए। तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को देश में क्या भूमिका है? जिला न्यायालय को कहते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उच्च न्यायालय को कहते हैं हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों क्या होता है, अगर अगर कोई 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 व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे दोषी करार दिया कर दिया जाता है तो वो अपील करता है, अपनी याचिका डालता है हाई कोर्ट के अंदर,
और हाई कोर्ट के अंदर भी अगर उसकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका डालता है। सेम प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। अगर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी याचिका रिजेक्ट करता है तो उसको डेफिनेटली सज़ा होती ही होती है। जैसे आपका काफ़ी सारे एग्जांपल है, 20 साल बाद भी सज़ा हो रही है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो अपील करते हैं अगली अगली कोर्ट में, ये रीज़न है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सिस्टम चलता है, इस तरह से सिस्टम वर्क करता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर दोषी कर दिया तो केवल लास्ट ऑप्शन बच जाता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही केवल ऐसा व्यक्ति बच जाता है उसके बाद, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी करार कर दिया कि उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये पावर होती है, वो किसी को भी माफ़ कर सकता है बिना किसी वजह के, अगर वो चाहे तो। तो बात करते हैं जिला न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं। जिला न्यायालय को सत्र न्यायालय भी कहा जाता है, यानी कि छोटी अदालत भी कहा जाता है। दीवानी, फौजदारी व अन्य सभी अपीलों की सुनवाई करती है। दीवानी मतलब होता है प्रॉपर्टी, फौजदारी का मतलब होता है आपका क्रिमिनल, जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जो वहाँ के, ये मान लीजिए उस एरिया के या उस डिस्ट्रिक्ट के जो कॉमन इश्यूज होते हैं उसको, उसकी सुनवाई करती हैं। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है उस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका वो करती हैं। जिला अधिकारी, DM व अन्य जज मजिस्ट्रेट सभी मामलों की सुनवाई करते हैं। जो DM होता है, जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, सभी इनकी सुनवाई करते हैं। सजा, दंड, जुर्माना सभी पक्षकारों को सुनकर न्याय करते हैं। मतलब जो भी सजा लगाई जाती है, दंड दिया जाता है, वो सब उनको सुनकर ही अपना फैसला लेते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, संविधान की धारा अनुच्छेद 214-230 में राज्य का सार पर उच्च न्यायालय की प्रवादना है। सभी राज्यों में एक था, एक से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी कि ये दोस्तों हर राज्य में पाता है, एक पाता है, या फिर कभी ऐसा भी होता है दो राज्यों का एक भी होता है, या एक राज्य में दो भी होते हैं। जिला न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी याचिका यहाँ रिजेक्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय, यह देश की अंतिम न्यायालय है जिसकी संख्या 31 तक हो सकती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को शपथ ग्रहण कराता है। 65 वर्ष तक की इसकी आयु निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय संविधान की संरक्षा करता है। समीक्षा व रद्द करने का अधिकार होता है। सभी जिला उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जिसका फैसला अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों अंतिम होता है, ये द लास्ट होता है। मैं आपको बताया केवल इसमें राष्ट्रपति ही कर सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये मेन होता है। तो इस तरह से हमारा ये चलती है। आप दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, आपको केवल आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है।